बिहार के बेगूसराय के चौकी गांव में लीची तोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाईं, जिसमें करीब 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। लीची तोड़ने पर इस बड़े झगड़े में फायरिंग भी हुई, लेकिन गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। इस झगड़े का जो वीडियो सामने आया है, उसमें दोनों पक्षों की ओर से ताबड़तोड़ लाठी से एक दूसरे की पिटाई की जा रही है। लीची बगान हमारा बल जो भी लीची तोड़ने आया था, मेरे पापा रखवाली में था, हम सबको जानकारी हुआ, हम गए तो सब मिल के लाठी डंडा गोली से सब हमारे ऊपर तैयार हो गया। दो चार आदमी घायल है, जो कि दो घर पर है, दो हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल में भी है। हाँ, गोली भी चली है। कितने राउंड गोली? 10-12 राउंड गोली चली है। किसी ने है बगल से निकल गए चलाने में, प्रदीप महतो का लड़का था, छोटा वाला अथी ना है, क्या कहता है, बिगड़ू कहता है। उसका लड़का बड़ा वाला जितेंद्र है, गौरव कुमार है, पांडव कुमार है, अमरजीत महतो है, मालिक सदा है, राहुल कुमार है, गौरव का नाम है वादित कुमार, अंशु भी है। लीची तोड़ने के लिए मेरा पापा था रखवाड़ी में, कल भी लीची तोड़ के ले गया था। रात में जब सुबह पापा को भेजे तो तोड़ रहा था, और पापा को मारपीट किया है। जब हम सब पहुँचे, हम पर सब पर भी गोली चलाया, डंडा लाठी से माथा कान भी फोड़ दिया सब पहुंचा दिया। इस घटना के संबंध में एक पक्ष के रोहित महतो का आरोप है कि चौकी गांव में उनका लीची और आम का बगीचा है, जिसमें से उनके पड़ोस के ही लोगों ने लीची लूट ली थी। इसके बाद उन्होंने शिकायत की, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद अगले दिन फिर दूसरे पक्ष के 10-15 लोग पहुंच गए और लीची तोड़ने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो ताबड़तोड़ लाठी चलाने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बुरी तरह से लाठियां बरसाईं, जिसमें दोनों पक्षों से 10 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जाएगी। चौकी एक गांव है साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में, वहां पर शैलेंद्र कुमार महतो और प्रदीप कुमार महतो, जो दोनों सुजाती हैं और रिश्तेदार हैं, दोनों में जमीन की हिस्सेदारी को लेकर, उनकी जमीन में लीची और आम के पेड़ हैं, उन पेड़ों के विवाद को लेकर आपस में दोनों पक्ष के लोग लड़ गए। उस पर थाना के असर से तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को डिटेन किया गया है और एक आदमी घायल है, जिसका बेगूसराय में इलाज चल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।